पिछले क्लास में हमने समझा फंक्शन ऑफ फंक्शन, आज हम हमारा अगला टॉपिक समझेंगे इनवर्स फंक्शन। जैसा कि आपको पता है कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है, हम एक बार और देख लेते हैं। जैसे कि y इक्वल टू साइन एक्स, ये जो साइन एक्स है ये हमारा फंक्शन है, तो इसका इनवर्स क्या होगा? इसका इनवर्स होगा x इक्वल टू साइन इनवर्स y, ये x इक्वल टू साइन इनवर्स y, ये हमारा फंक्शन है और इसको हम बोलेंगे इनवर्स फंक्शन। इसको हम रीड कैसे करेंगे? ये जो साइन माइनस वन वाई दे रखा है इसे हम रीड करते हैं साइन इन साइन इनवर्स वाई, हम इसे इस तरीके से रीड करते हैं। हम आगे देखते हैं इनवर्स फंक्शन को सॉल्व करने के कुछ तरीके। उससे पहले यहां पर इनवर्स फंक्शन के लिए कुछ फॉर्मूलेस है, हम उसे देखते हैं। अब हमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो इनवर्स फॉर्म में आएंगे। यहां पर कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, जैसे कि हम फॉर्मूला फर्स्ट देखते हैं, d बाय डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल हो गया। इसी तरीके से अगला d बाय डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। साइन और कॉस में सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का डिफरेंस है। तीसरा फॉर्मूला है डी बाय डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। आगे देखते हैं, हमारा फोर्थ फॉर्मूला डी बाय डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होगा वन अप माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। टेन और कॉट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का डिफरेंस मिलेगा। फिफ्थ फॉर्मूला है डी बाय डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, यह है सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल। सिक्स डी बाय डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल माइनस वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो आप इन फॉर्मूलेस को याद करिए, बहुत ही इजी फॉर्मूलेस है। अब हम इसे प्रूव करके मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूलेस कैसे बने हैं। मैं इन फॉर्मूलेस को प्रूव करके बताता हूं, ये फॉर्मूलेस आपके बहुत काम में आएंगे। ये इनवर्स फंक्शन आपको अधिकतर साइंस सेक्शन वालों के लिए बहुत काम का, इंजीनियरिंग में पीटी पीएमटी में ये आपके बहुत काम में आ सकता है। जैसे कि हमारे पास दे रखा है इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x, मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसे मैं इसे लिख सकता हूं x इक्वल टू साइन y, इनवर्स फंक्शन से मैंने इसे फंक्शन में बदल दिया है x इक्वल टू साइन y। अब यदि मैं इसका डिफरेंशियल करता हूं
डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू, मुझे इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है। अब मैं यदि यहां पर लिखता हूं डी बाय डी एक्स एक्स इक्वल टू डी बाय डी एक्स साइन वाई, बोथ साइड मैंने डी बाय डी एक्स लगा दिया, अब मुझे डिफरेंशियल करना है, तो डी एक्स बाय डी एक्स का डिफरेंशियल होगा वन इक्वल टू साइन वाई का डिफरेंशियल करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, साइन वाई का डिफरेंशियल होगा कॉस वाई, अब यहां पर वाई का भी डिफरेंशियल होगा, वाई का डिफरेंशियल होगा डी वाई बाय डी एक्स। मैं इस कॉस वाई को इसके डिनोमिनेटर में ले लेता हूं तो मुझे मिलेगा वन अपॉन कॉस वाई इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। मैं इस कॉस वाई को वन अपॉन इस कॉस वाई को मैं अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर वाई भी लिख सकता हूं इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर वाई है, मेरे पास साइन वाई की वैल्यू गिवन है, ये साइन वाई की वैल्यू है मेरे पास एक्स, तो मैं यहां पर एक्स रख देता हूं और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। तो ये मुझे डेरिवेटिव मिल गया, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसे हमने इस तरीके से प्रूव कर लिया। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला फॉर्मूले को मैं प्रूव करके बताऊंगा। y इक्वल टू टेन इनवर्स x मेरा फंक्शन है, मुझे इसका डिफरेंशियल निकालना है। सबसे पहले मैं डिफरेंशियल करूंगा d बाय डी, सॉरी मैं पहले इसे सिंपल फॉर्मेट में लिख लेता हूं x इक्वल टू टेन y। अब मैं इसे डिफरेंशियल करता हूं x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा d बाय डी एक्स एक्स इक्वल टू डी बाय डी एक्स टेन वाई। अब मुझे x का डिफरेंशियल मिलेगा वन इक्वल टू टेन वाई का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर वाई, मुझे y का भी डिफरेंशियल करना पड़ेगा, y का डिफरेंशियल होगा d y बाय डी एक्स। मैं इस sec स्क्वायर वाई को वन के अपॉन में ले लेता हूं, मुझे मिलेगा वन अपॉन sec स्क्वायर वाई इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। मैं इस sec स्क्वायर वाई को लिख सकता हूं वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर वाई इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस टेन वाई की वैल्यू है मेरे पास एक्स, मैं यहां पर पुट करता हूं तो मुझे डिफरेंशियल मिल गया वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरा टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल हो गया। इसी तरीके से हम सभी का डिफरेंशियल कर सकते हैं। मैं आपको एक और बताऊंगा, इसे प्रूफ करना बहुत ही इजी है। इसी तरीके से मैं आपको अगला बताता हूं y इक्वल टू sec इनवर्स x, sec इनवर्स x को मुझे प्रूव करना है, इसे मुझे इसका डिफरेंशियल करना है। मैं इसको सबसे पहले नॉर्मल फॉर्मेट में लिखूंगा x इक्वल टू sec y, इसके बाद मैं इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करूंगा d बाय डी एक्स एक्स इक्वल टू डी बाय डी एक्स sec y, x का डिफरेंशियल मुझे 1 मिलेगा इक्वल टू sec y का डिफरेंशियल होगा sec y इंटू टेन y, y का भी डिफरेंशियल करेंगे ये बन जाएगा d y बाय डी एक्स।
इस sec y tan y को मैं 1 के अपॉन में लिखता हूं, मुझे मिलेगा 1 अपॉन sec y multiply tan y equal to d y by dx. इस dy by dx को मैं आगे लिख लेता हूं, d y by dx equal to 1 अपॉन sec y, मैंने ऐसा ही लिखा, और इस tan y को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट sec स्क्वायर y माइनस 1. ये प्रॉपर्टी होती है, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है. इसके बाद d y by dx इक्वल टू 1 अपॉन इस sec y को मैं x से रिप्लेस करता हूं, मुझे मिलेगा x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1. ये आ गया मेरा डेरिवेटिव sec इनवर्स x का. तो इसी तरीके से हम सारे इनवर्स का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, और यही हमारा फॉर्मूला भी है. तो आपको याद करने में भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही इजी फॉर्मूलाज है. अब हम देखते हैं इसके आगे इसके कुछ क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स ax, मुझे इसका डिफरेंशियल करना है. सबसे पहले मैं इसे y के इक्वल लिखूंगा, उसके बाद साइन इनवर्स का फंक्शन क्या है, ax है. मुझे फॉर्मूला याद रखना है, मुझे इसके लिए डिफरेंशियल करना. यहां पर x गिवन है, तो मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है. डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशियल d y by dx इक्वल टू, यहां पर साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर. x हमारे पास ax दे रखा है, तो ये हो जाएगा ax का होल स्क्वायर. इसके बाद हमें फंक्शन ऑफ फंक्शन पिछले क्लास में हमने पढ़ा है. फंक्शन ऑफ फंक्शन जब भी आता है तो हमें शॉर्टकट ट्रिक लगाते हैं, आउटसाइड इनसाइड. ये जो हमने अभी डिफरेंशियल करा है, ये हमने इस पूरे का डिफरेंशियल करा है, इट मींस हमने आउटसाइड का डिफरेंशियल करा है. इसके बाद मुझे इनसाइड का डिफरेंशियल करना है. यहां पर इनसाइड है ए एक्स, तो ए एक्स का यदि मैं डिफरेंशियल करूंगा तो मुझे मिलेगा ए, और एक्स ए तो हमारा कांस्टेंट हो गया, और एक्स का डिफरेंशियल 1 हो गया, इसलिए ए इनटू 1 होगा ए. इसलिए मेरा आंसर आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 1 इनटू ए ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर. मैं ओपन कर सकता हूं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ये हमारा आंसर. कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं. log tan इनवर्स x, y इक्वल टू log tan इनवर्स x. ये देखिए यहां पर log का फंक्शन हो गया tan इनवर्स x, और tan इनवर्स का फंक्शन हो गया x. तो क्वेश्चन देख के हम पहचान सकते हैं कि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है. हम डिफरेंशियल करेंगे d by dx, x के रिस्पेक्ट में करेंगे d by dx log tan इनवर्स x, y का डिफरेंशियल dy by dx इक्वल टू log के लिए ये पूरा x हो गया. इसका मतलब log का log x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन x, और x की जगह मुझे लिखना है tan इनवर्स x.
ये पूरा आउटसाइड का डिफरेंशियल कर लिया है, इनसाइड का डिफरेंशियल भी करेंगे हम। इनसाइड क्या है, d बाई डी एक्स टेन इनवर्स x, ये इनसाइड है, इसका मैं डिफरेंशियल करना है। इक्वल टू ये एज इट इज वन अपॉन टेन इनवर्स x मल्टीप्लाई, टेन इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर। तो इजीली हमने आउटसाइड और इनसाइड वाली मेथड से, शॉर्टकट मेथड से हमने इसका डिफरेंशियल कर लिया है। ये हमारा आंसर आ जाता है वन अपॉन टेन इनवर्स एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वेयर आंसर। इसी तरीके से हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। y इक्वल टू cot इनवर्स x बाय a, इसका डिफरेंशियल करना है। सबसे पहले हम बोथ साइड d बाय डी एक्स लिखेंगे, d बाय डी एक्स y इक्वल टू d बाय डी एक्स cot इनवर्स x बाय a। अब मुझे डिफरेंशियल करना है, y का होगा d y बाय डी एक्स इक्वल टू cot इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है माइनस वन अपॉन एंड माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स हमारे लिए एक्स अपॉन ए है, इसलिए हमने एक्स अपॉन ए लिखा। इसके बाद ये आउटसाइड का कर लिया है, इनसाइड हमारे पास एक्स अपॉन ए है, इसके लिए हम अब डिफरेंशियल करेंगे डी बाई डी एक्स एक्स अपॉन ए का। डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन प्लस, मैं एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर ओपन करता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स अपॉन ए का मुझे डिफरेंशियल करना है। तो यहाँ पर वन अपॉन ए तो मुझे कॉन्स्टेंट मिल गया वन अपॉन ए, मेरे पास बचेगा एक्स और एक्स का डिफरेंशियल हो गया वन। मैं इसे आंसर दे सकता हूं डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस वन इंटू वन इंटू वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और मल्टीप्लाई में है ए। मैं इसे यहीं पर आंसर दे सकता हूं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। y इक्वल टू टेन इनवर्स साइन e पावर x, इसका डिफरेंशियल करना है, बहुत ही इजी है। सबसे पहले d बाय डी एक्स लिखेंगे, d बाय डी एक्स y इक्वल टू d बाय डी एक्स टेन इनवर्स साइन e की पावर x। यहाँ पर हमें तीन फंक्शन देखने को मिल रहे हैं, टेन इनवर्स साइन और e पावर x, तीन फंक्शन है, बहुत इजी है। d बाय डी एक्स हम डिफरेंशियल करते हैं, y का है d y बाय डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स के लिए ये पूरा x हो गया, तो टेन इनवर्स x का डिफरेंशियल मिलेगा मुझे वन अपॉन वन प्लस, ये पूरा x है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये मिलेगा साइन e की पावर x का होल स्क्वायर। अब मुझे आगे डिफरेंशियल करना है d बाय डी एक्स साइन e की पावर x का, d y बाय डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस, मैं इसे साइन e की पावर x का होल स्क्वायर एज इट इज लिखता हूं, मल्टीप्लाई साइन
e की पावर x का डिफरेंशियल होगा cos e की पावर x, और मुझे e की पावर x का भी करना है तो मैं e की पावर x का डिफरेंशियल हो गया e की पावर x। मैं इसे लिख सकता हूं dy by dx equal to 1 multiply cos ex multiply ex, मुझे मिलेगा e की पावर x cos e की पावर x अपॉन 1 प्लस साइन e की पावर x का होल स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएट y इक्वल टू e पावर tan इनवर्स x मल्टीप्लाई log tan x, मुझे इस चीज का डिफरेंशियल करना है तो इसके लिए बोथ साइड d बाय डी एक्स लगाएंगे, d बाय डी एक्स y इक्वल टू d बाय डी एक्स e की पावर tan इनवर्स x मल्टीप्लाई log tan x। यहां पर देखिए बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहां पर ये मैं पूरे को फर्स्ट फंक्शन मान सकता हूं और इस पूरे को सेकंड फंक्शन मान सकता हूं। तो यहां पर मुझे फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड का फॉर्मूला लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना है, y का डिफरेंशियल dy by dx इक्वल टू प्रोडक्ट रूल फर्स्ट ऐसा ही सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड ऐसा ही फर्स्ट का डिफरेंशियल। फर्स्ट हमारा एज इट इज रहेगा, फर्स्ट ऐसा ही d by dx सेकंड का डिफरेंशियल log tan x प्लस सेकंड ऐसा ही log tan x फर्स्ट का डिफरेंशियल e पावर tan इनवर्स x। सिंपली डिफरेंशियल कर देते हैं dy by dx इक्वल टू e पावर tan इनवर्स x एज इट इज, e पावर tan इनवर्स x एज इट इज मल्टीप्लाई log tan x का डिफरेंशियल होगा 1 अपॉन tan x, और tan x का भी डिफरेंशियल होगा sec स्क्वायर x आउटसाइड इनसाइड, प्लस ये प्लस log tan x ऐसा ही log tan x एज इट इज e पावर tan x का डिफरेंशियल मल्टीप्लाई e पावर tan इनवर्स x मल्टीप्लाई tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। सीधा हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं dy by dx इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स x इनटू sec स्क्वायर x अपॉन tan x, बीच में प्लस साइन, इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं log tan x मल्टीप्लाई e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इसे हम आंसर दे देते हैं। तो इसी तरीके से आपको इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चंस सॉल्व करने को मिलेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, तो आप इसे प्रैक्टिस करिए। और साथ ही अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे पेज को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे वीडियोस लाकर दूंगा, लेकिन आप मेरे पेज को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू।